हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल होममेड क्वीन। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ड्राई स्किन वाले अपना कंप्लीट मेकअप किस तरीके से कर सकते हैं। तो गाइस, इसलिए आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ ताकि एक यही वीडियो है जिससे मैं आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि ड्राई स्किन वाले अपना मेकअप किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं अगर वो कहीं बाहर जा रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव दिखे। तो गाइस, इसलिए आज मैं आपके साथ ये मेकअप ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ ताकि आपको जो मेकअप है वो खराब ना दिखे और साथ ही साथ एक अच्छा ब्लेंडेड मेकअप किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइस, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं अपने फेस पर यहाँ पर आयुर्वेदा का रोज टोनर अप्लाई कर रही हूँ। जिनके भी ड्राई स्किन है वो टोनर जरूर अप्लाई करें क्योंकि इससे उनकी स्किन मॉइस्चराइज रहती है। तो गाइस, इसको लगाने के बाद आपको 2 मिनट तक इसे सूखने के लिए छोड़ देना है। तो गाइस, इसको सूखने के बाद आपको अपने फेस पर मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। तो गाइस, जिनकी भी ड्राई स्किन है उनको मॉइस्चराइजर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं जो आप डेली यूज में करते हैं, तो आप वो मॉइस्चराइजर अपने फेस पर अच्छे तरीके से लगा लीजिए। और देखिए, हैंड्स की हेल्प से अपने पूरे फेस पर इसे अप्लाई कर लीजिए। तो गाइस देखिए, आपको इस तरीके से अपने पूरे फेस पर इसे अप्लाई कर लेना है। उसके बाद गाइस, नेक्स्ट मेरे पास एलोवेरा जेल भी है और साथ ही साथ हुड्डा का प्राइमर भी है, तो आप कोई भी प्राइमर अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। आप एलोवेरा जेल को एज अ प्राइमर भी यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। तो गाइस, मैं यहाँ पर एज अ प्राइमर पतंजलि का एलोवेरा जेल ले रही हूँ। आपको थोड़ा सा फिंगर टिप पे अपनी ले लेना है और फिर फिंगर की हेल्प से अपने फेस पर अच्छे से मसाज करनी है। तो गाइस, प्राइमर के 2 यूजेज होते हैं, जैसे कि अगर हमारे फेस पर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वो क्लोज हो जाते हैं और साथ ही साथ हमारा जो फेस है वो सॉफ्ट और स्मूथ हो जाता है, जिससे हमारा जो फाउंडेशन है वो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है। तो प्राइमर लगाना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनकी भी ड्राई स्किन है उनको प्राइमर लगाना बहुत ही जरूरी है जिससे उनकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी। तो गाइस, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, मैं यहाँ पर मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा है, हमारे फेस पर बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो गाइस, अगर आप फाउंडेशन लगाना नहीं पसंद करते हैं तो आप बीबी क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एसपीएफ 50 होता है जो सनस्क्रीन का काम भी करता है, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं डेली यूज में अपने। तो गाइस, मैं यहाँ पर फिट मी फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। आपको बहुत ही थोड़ा सा लेना है अपने हैंड पर, ये देखिए। उसके बाद आपको इसे फिंगर टिप की हेल्प से अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। तो गाइस, आपको इसे बहुत ही अच्छे से अपने फेस पर और अपनी नेक पर अप्लाई कर लेना है। तो गाइस, मैं यहाँ पर हैंड से इसको ब्लेंड करके बता रही हूँ कि आप हैंड से भी अच्छी कवरेज ला सकते हैं अपने फाउंडेशन की। अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप हैंड से भी बहुत ही अच्छी कवरेज ला सकते हैं अपने फेस पर फाउंडेशन की। तो इसलिए आज मैं आपके साथ ये हैंड से लगाकर बता रही हूँ कि आप फाउंडेशन अपने हाथों से भी अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, आपको अपनी गर्दन पर भी इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पर फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड कर लिया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ब्लेंड हो गया है हमारे हैंड से भी। उसके बाद गाइस, हम लिपस्टिक लगाने के लिए सबसे पहले अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर लेते हैं ताकि हम इतने आई मेकअप करें तो हमारे जो लिप्स है वो अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए। तो मैंने यहाँ पर लिप बाम लगा लिया है। उसके बाद गाइस, बारी आती है कंसीलर की। तो गाइस, मैं यहाँ पर कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। तो गाइस, कंसीलर के हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर हमारे फेस पर जैसे डार्क सर्कल है, डार्क एरिया, वहां पर हम इसे अप्लाई करेंगे तो वो अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। और गाइस, साथ ही साथ हम अपने फेस के जो भी पार्ट्स हैं जिसको हाईलाइट करना चाहते हैं, हम इसके लिए भी उसको यूज कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, मैं यहाँ पर डार्क सर्कल पर, माउथ के अराउंड जहाँ पर भी डार्कनेस है वहां पर यूज कर रही हूँ, और मैं अपने इसे नोज पर भी अप्लाई कर रही हूँ ताकि हमारे नोज हाईलाइट हो जाए। तो देखिए, हम इसे एज अ हाईलाइटर भी यूज कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। आप इसे अपनी फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको सूटेबल लगे आप उस तरीके से इसे ब्लेंड कर लीजिए। तो गाइस देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से अपने फेस पर जो कंसीलर है वो अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। गाइस देखिए, Thank you.
तो गाइज मैंने यहाँ पर कंसीलर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब बारी आती है आईब्रो फिलिंग की, तो मैं यहाँ पर आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ। आपको बहुत ही अच्छे से अपनी आईब्रोज फिल कर लेनी है, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए आपको बहुत ही अच्छे से अपनी आईब्रोज फिल कर लेनी है। तो गाइस देखिए मैंने यहाँ पर आईब्रो भी फिल कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, मैं यहाँ पर लाइनर लगा रही हूँ। मैं यहाँ पर लाइनर पेंसिल का यूज कर रही हूँ, आप वाटर लाइनर भी यूज कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो गाइस मैंने यहाँ पर लाइनर भी अप्लाई कर लिया है। उसके बाद बारी आती है काजल की, तो मैं यहाँ पर काजल अप्लाई कर रही हूँ। तो गाइस देखिए मैंने यहाँ पर काजल भी अप्लाई कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, मैं यहाँ पर मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। तो गाइस आपको बहुत ही अच्छे से मस्कारा अपने आईज पर अप्लाई कर लेना है। तो गाइस मैंने मस्कारा भी अप्लाई कर लिया है। उसके बाद बारी आती है लिपस्टिक की, तो मैं यहाँ पर लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर लिपस्टिक भी अप्लाई कर ली है। अब लास्ट स्टेप है कि मैं यहाँ पर, अगर आपको अपनी नॉर्मल लिपस्टिक को मैट फिनिश देनी है, तो आपको अपना ब्रश है वो पाउडर में डिप करके इस तरीके से अपने लिप्स पर अप्लाई करना है, टैप टैप करके, तो आपकी जो लिपस्टिक है वो मैट फिनिश देगी। तो गाइस लास्ट स्टेप, मैं यहाँ पर अपने फेस पर हाईलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। आपको बहुत ही अच्छे से, जहाँ पर भी आपको आपके पार्ट्स हाईलाइट करने हैं, आप इस तरीके से वहाँ पर हाईलाइटर लगा सकते हैं। तो गाइस देखिए, तो गाइस अगर आपको अपनी नोज़ हाईलाइट करनी है, तो आप इस तरीके से अपनी नोज़ पर हाईलाइटर अप्लाई कर लें। फोरहेड पर अगर हाईलाइट करना है, तो आप इस तरीके से फोरहेड हाईलाइट कर लीजिए, ये देखिए इस तरीके से। तो गाइस मैंने यहाँ पर हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है। तो गाइस ये है हमारा फाइनल लुक। अगर आपकी ड्राई स्किन है, तो आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मेकअप कीजिए, आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मिलूंगी आपको अगली यूजफुल वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो उसे लाइक करें और प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।